हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ बनाने जा रहे हैं चीज़ गार्लिक ब्रेड। इसको बनाना बहुत सिंपल है, ये बस 10 मिनट में बन जाती है। इसको आप एज अ स्नैक्स या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बनाइए, सबको खिलाइए। इसका टेस्ट आपको डोमिनोज की चीज़ गार्लिक ब्रेड से कम नहीं लगेगा। तो चलें ये इजी चीज़ी गार्लिक ब्रेड को बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल शेफडीवा को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक दीजिए, और जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो साथ में ये बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चीज़ गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए हमें बस इतने इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, बहुत ही बेसिक सिंपल चीज़ें चाहिए हैं हमें इसमें। तो देखें, ये हमने 4 टेबलस्पून सॉल्टेड बटर लिया है, ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है। देखें, इसी तरीके का बटर हमें लेना है। उसके साथ हमने ये 1/3 कप मोज़रेला चीज़ ली है। तो इसकी कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग लीजिएगा, जितनी आपको पसंद है उतनी लीजिएगा। ये हमने देखें इस तरीके से ऐसे ग्रेट कर लिया है, हमें ग्रेटेड यूज़ करनी है। उसके साथ हमने देखें ये गार्लिक लिया है, 1 टीस्पून गार्लिक है जिसको हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। यहाँ पे हमको ग्रेटेड गार्लिक चाहिए, बिल्कुल महीन सा ग्रेट हो वैसी गार्लिक हमको चाहिए है। और ये 5 to 6 क्लोव्स हैं जिसको हमने ग्रेट किया है। उसके साथ हमने ये 3 सीजनिंग्स लिए हैं, ये चिली फ्लेक, पास्ता मिक्स और ऑर्गेनो लिया है। चिली फ्लेक्स हमको यूज़ करना है, पास्ता मिक्स ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो इसको यूज़ करिएगा, अदरवाइज स्किप कर दें। और ये ऑर्गेनो अगर आप पास हो तो इसको यूज़ करिएगा, अदरवाइज इसकी जगह पर आप कोरिएंडर यूज़ कर लीजिएगा। अच्छा, तो यहाँ पे हमने 4 ब्रेड स्लाइसेस ली हैं, ये नॉर्मल ब्रेड स्लाइसेस ली हैं, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं अपनी चॉइस के। तो हमने यहाँ पे ये नॉर्मल 4 ब्रेड स्लाइसेस ली हैं। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ये गार्लिक है, हम ये गार्लिक बटर के बाउल में डाल देंगे इस तरीके से। अब हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, चिली फ्लेक्स हम 1/4 टीस्पून के करीब डालेंगे। उसके साथ हमें ये पास्ता मिक्स डालने जा रहे हैं, तो ये भी हम 1 टीस्पून डालेंगे, और ऑर्गेनो हम 1 टीस्पून डालेंगे। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो मिक्सचर हम बना रहे हैं ये 4 ब्रेड स्लाइसेस के लिए काफ़ी है। तो ये देखिए, ये मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम ये मिक्सचर इन ब्रेड स्लाइसेस पे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम चारों ब्रेड स्लाइसेस इस तरीके से ऐसे रख देते हैं। तो अब हम ये बटर मिक्सचर इस पर लगाएंगे ब्रेड्स पे। तो हम एक ब्रेड स्लाइस पे ज़्यादा मिक्सचर लगाएंगे और दूसरे पे हम कम लगाएंगे, इस तरीके से ऐसे बटर हमको लगाना है। तो देखें, सबसे पहले थोड़ा थोड़ा बटर हर स्लाइसेस में रख दें इस तरीके से। और ये जैसे बटर लिया था इस पे हमें बहुत अच्छे से पूरे ब्रेड पे ऐसे बटर लगा देना है, इसलिए हमने 1 टीस्पून भर के इसमें डाला था बटर मिक्सचर। इसमें भी हम पूरा अच्छे से कवर कर देंगे बटर को ब्रेड के साथ इस तरीके से। और अब ये जो 2 ब्रेड्स हैं इसमें हमने कम मिक्सचर लिया था, वैसे ये आपकी चॉइस है, अगर आपको ज़्यादा डालना है, बराबर ही डालना है बटर, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो देखिए, हमने इस तरीके से स्प्रेड कर लिया। अब हमने जिन 2 ब्रेड स्लाइसेस पे कम बटर लगाया था उस पर हम ये मोज़रेला चीज़ डाल देंगे इस तरीके से, ऐसे डाल देंगे, इवनली डालेंगे ताकि अच्छी मेरी चीज़ी गार्लिक ब्रेड बन के रेडी हो। इसमें आपको जितनी मर्ज़ी हो आप उतनी मोज़रेला चीज़ लगा सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये हमने डाल दिया है। अब हम ये जो ब्रेड स्लाइस है ये वाला साइड हम ऊपर रखेंगे, और जो प्लेन साइड है वो हम इस तरीके से नीचे ऐसे रखेंगे, मतलब बटर वाला साइड हमें ऊपर रखना है। तो इसी तरीके से हम ऐसे इसके ऊपर रख देंगे, प्लेन साइड हमने नीचे रखा है। और अब हम पैन में इसे टोस्ट करेंगे। पैन जब मीडियम हॉट हो जाएगा तब हम ये ब्रेड स्लाइस इस पर रखेंगे, और ये जो बटर वाला साइड है वो हमें नीचे रखना है इस तरीके से, ऐसे रखेंगे, और गैस की फ्लेम हम लो कर देंगे। और अब जो ये ऊपर वाला साइड है इस पर भी हम बटर इस तरीके से ऐसे लगा देंगे, अच्छे से लगाएंगे, चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो ये अब जब स्प्रेड हो गई अच्छे से, अब हम इसे कवर करके लो फ्लेम पे 1 मिनट लिए पकाएंगे। हमें इसे इस तरीके से पकाना है, टोस्ट करना है, ताकि इसमें एक अच्छा गोल्डन कलर आ जाए और ये क्रिस्पी हो। 1 मिनट के बाद अब हम इसकी साइड को टर्न कर देंगे। ये देखें क्या ब्यूटीफुल गोल्डन कलर आया है। अब इसको हल्का हल्का हम इस तरीके से ऐसे प्रेस करेंगे पहले,
और फिर हम इसे कवर करके एक मिनट लिए और पकाएंगे ताकि नीचे से भी अच्छे से ये गोल्डन कलर इसका आ जाए। तो एक मिनट के बाद हमने इसका कवर हटा दिया। चेक करते हैं, ये देखिए दूसरी तरफ से भी अच्छे से ये गोल्डन कलर आ गया है। 30 सेकेंड्स हम इसको और पलट पलट देंगे ताकि ये अच्छा क्रिस्पी हो जाए। तो 30 सेकेंड्स मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पलट पलट दिया, ये अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं, ये देखिए। उसी तरीके से हमने दूसरी ब्रेड भी बना ली और ये अब रेडी है। वाओ, क्या ब्यूटीफुल कलर आया है इसका, लग रही है ना ज़बरदस्त। अच्छा, अब हम इसको कट करते हैं। यहाँ आप कोई भी शेप का कट कर सकते हैं। हम यहाँ पे इस तरीके से ऐसे लंबा लंबा कट करते हैं। इसको जो हमने 30 सेकेंड्स और टोस्ट किया था तो उसकी वजह से ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है। जिस तरीके से इसको बनना चाहिए था बिल्कुल वैसे ही बनी है। इसको देखिए, हम तोड़ के आपको दिखाते हैं। ये देखिए, वो अंदर से बिल्कुल चीज़ी है ये और क्रिस्पी है। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरी ये सुपर इजी रेसिपी पसंद आई हो। इसको आप लोग ज़रूर से ट्राई करिएगा, चाहे तो ब्रेकफास्ट में या इवनिंग स्नैक्स में बनाइए या अपने बच्चों के लंच बॉक्स में बनाकर आप दे सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। थैंक यू।